हेलो गाइस, दिस इज मी माली। तो आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करने के साथ आप अपने मोबाइल की एप्पल आईडी क्रिएट करते हैं। आईफोन 5S, 6S, 7, 8, आईफोन XR, XS में जो वो यूज़ होती है उसको हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बगैर क्रेडिट कार्ड के और बगैर किसी और मेथड के। जस्ट हमने मोबाइल के अंदर अपनी एप्पल आईडी को यूज़ करते हुए उसके अंदर अपना स्टोर को एक्सेस करना है और ये तमाम फीचर्स हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एप्पल आई डी को बनाने के बाद। तो इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, मूव ऑन आवर मोबाइल स्क्रीन्स। सो गाइस, सबसे पहले तो हमें इसके एप्पल आई डी बनाने के लिए सिंपली सेटिंग्स में जाना। सेटिंग्स में जाने के बाद हम साइन इन टू योर आईफोन। तो इसमें जाने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर कोई भी, अगर आपकी ऑलरेडी एप्पल आई डी है तो यहाँ पर सिंपली लॉगिन करेंगे। अपने पास एप्पल आई डी नहीं है तो आप सिंपली डोंट हैव एन फॉरगॉट एप्पल आई डी और इसके क्लिक करेंगे तो क्रिएट एप्पल आई डी। अगर आपको आई डी रिकवर करनी है तो फॉरगॉट एप्पल आई डी, तो मुझे अभी क्रिएट करना है। सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा। अपने मोबाइल के अंदर जाने के बाद तो वैसे चेकआउट कर लेंगे आपकी वाईफाई कनेक्टेड हो आपके मोबाइल के साथ। तो इसमें जैसे बैटरी 11% है, हम इसको एक दफ़ा कर लेते हैं। तो हमें सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ सेट करनी है। सेट करने के बाद अपना जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको सेट करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। तो हम जल्दी से सेव कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ सेट और डेट सीट। यहाँ पर ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट ऊपर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऊपर सिंपली आपने अपना जो भी आपका नेम है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। तो अपना नेम सेट करने के बाद आपने सिंपली करना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पे जाने के बाद हम सिंपली देखेंगे यूज़ योर करंट ईमेल एड्रेस गेट अ फ्री आई क्लाउड ईमेल एड्रेस। तो मैं अपना एक गेट अ फ्री आई क्लाउड ईमेल एड्रेस क्लिक करूँगा। मेरे पास अभी कोई भी आई क्लाउड का एड्रेस नहीं है, तो जैसे आप सिंपली कोई बना लें तो मैं भी इसी का बना लेता हूँ। हाउ टू और जो भी आप इधर बनाना चाहें, मैं इधर हाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी ज़्यादा अजीज़ है। इस वीडियो से आप यहाँ पर अपना कोई भी कर सकते हैं icloud.com के ऊपर, और सिंपली एंटर करने के बाद अपना ईमेल एड्रेस और नेक्स्ट कर लें। आप ये चीज़ कहीं पे सेव कर लें अपना icloud जो भी आपको क्रिएट। जब आपका इधर पूछेगा कि आपका जो भी आप यूजर नेम सपोज howtomajid@icloud.com, मैं इसका रखता हूँ, तो आप इसको करें कंटिन्यू। आप कंटिन्यू करें तो इधर आप अपना पासवर्ड एंटर करें, जो भी आपका पासवर्ड आपने एंटर करना हो। तो अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको सिंपली करना है इधर अगेन एक बार। अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें अपनी सिक्योरिटी क्वेश्चन हमें कोई सेट करना है। तो चूज़ क्वेश्चन कर सकते हैं आप जो भी आप इधर रखना चाहें। तो वट वॉज दी, तो वैसे आपने तीनों क्वेश्चन सेट आउट करने के बाद सिंपली करना है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको सिंपली अगेन फॉरवर्ड कर देगा हमारे नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर, लाइक हमें नेक्स्ट क्या फिल आउट करना है। देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बता रहा है कि नंबर ए पे जो टर्म्स हैं, बी पे और सी गेम सेंटर टर्म्स एंड कंडीशंस, और काफ़ी इधर आप इसको स्टडी कर सकते हैं। सेंड बाय ईमेल में क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे इसके ऊपर ईमेल के अंदर भी मुझे ये तमाम जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तुम्हारी ईमेल में भी आ जाएंगी, ताकि मैं बाद में अगर मुझे किसी किस्म में यूज़ करना पड़ती है तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ या रीड कर या रीड से कर सकता हूँ। तो देखिए मेरे नंबर पर सेंड हो चुकी हैं और मैं इसे करता हूँ एग्री और अगेन एग्री। तो जो मेरी एप्पल आईडी है वो टोटली बन चुकी है और इसके मोबाइल के अंदर साइनिंग इन हो रही है। तो बस इतना सा काम था और आपकी एप्पल आईडी बन चुकी है। तो बस जैसे करेंगे तो आपको ये बता देगा कि आईफोन विल बी अपलोडेड एंड मर्ज्ड विद आईक्लाउड। अगर अपने जो कॉन्टैक्ट्स हो भी आप इस मोबाइल के अंदर सेव करना चाह रहे हैं, इसके अंदर ऑलरेडी सेव हैं, तो उसको मर्ज करना चाह रहे हैं आप इस एप्पल आईडी के थ्रू, तो आप सिंपली यहाँ पर मर्ज पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे जिस मोबाइल में सेव होंगे तमाम आई क्लाउड के अंदर सेव हो जाएंगे। अगेन आप आई क्लाउड किसी भी आईफोन के अंदर यूज़ करते हैं या लॉगिन करते हैं, ये इसको ऑनलाइन देखना चाह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स, और एक किस्म का आपका बैक कॉन्टैक्ट्स का बैकअप भी बन जाएगा। और इस एक किस्म का आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छे रिलायबल फीचर देखने को मिलता है कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ऑनलाइन सेव हो जाते हैं आपके आई क्लाउड में। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर मुझे देखने को मिला है इस में, जो कि एंड्रॉयड का भी है जो जीमेल के अंदर यूज़ होते हैं। तो गाइस देखें हमारा जो एप्पल आईडी है वो टोटली इसके अंदर लॉग्ड इन हो चुका है और हम इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं आईट्यून ऐप स्टोर में, शेयर माय लोकेशन और आईफोन 5S। तो मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वो आईफोन 5S वो वेरीफाइड है, और ये देखें फाइंड माय आईफोन ऑन हो चुका है, आईक्लाउड बैकअप भी इसके अंदर है और मॉडल मुझे सब कुछ ये शेयर कर रहा है मेरे साथ। तो अब ये डिवाइस इन्फो ले सकते हैं, यहाँ पर अपनी एडिट करके अपनी कोई पिक्चर लगा सकते हैं। मेरे इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी सेल्फीज ऐड है, तो मैं कोई भी सिंपली कोई आईडी इसमें ऐड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो देखें इसके अंदर ये भी ऐड हो चुकी है। नेम आप जो फ़ोन नंबर जो जगह ईमेल कोई बैकअप ईमेल देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ और
नॉर्टन वगैरह काफ़ी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपकी एक एप्पल आईडी जो कि आपके आईफोन के स्टोर को एक्सेस करेगी। तो जब आप सिंपली साइन इन कर दें तो आपकी जो आईट्यून्स और ऐप स्टोर है वो यहाँ पर लॉग इन हो जाएगा, साइनिंग इन टू आई इस एप्पल आईडी का। तो देखें ऐसे वेलकम टू एप्पल ऐप स्टोर कंटिन्यू करते हैं, तो ये देखें कि हमारी जो एप्पल आईडी है वो क्या हमें देखने को देती है अभी के लिए, क्योंकि हमने न्यूली आईडी क्रिएट की है तो हमें इसे काफ़ी अंदर इसके जो भी हैं रिक्वायरमेंट्स और जो भी इसकी कार्रवाई टाइप है वो हमें सब कुछ फुलफिल करना पड़ेगा इसके अंदर। तो अभी के लिए वेटिंग पे है iPhone 5s है। अगर आपको iPhone का मदद लेना तो आप लेटेस्ट वर्जन लें, इसमें जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप एप्पल आईडी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं किसी भी मोबाइल फ़ोन के लिए, लाइक iPhone 5s से लेकर जो भी लेटेस्ट मॉडल है। तो आपने अभी तक हमारी कह रहे हैं कि अपने टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई किए और जो भी आपको जो है अपने क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, तो हम इसको एक दफ़ा अपनी लोकेशन और जो भी जानकारी दे सकते हैं। तो अभी के लिए जो देखें आपने यहाँ पर जो ऑप्शन आए वीज़ा और डेबिट कार्ड के लिए, डन पे क्लिक करके जैसे हमारा जो एप्पल स्टोर है वो लॉगिन हो चुका है और हम इसके अंदर काफ़ी अंदर चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगेन हम जाते हैं, देखें हमारी एप्पल आईडी है वो लग चुकी है इसके अंदर। तो ये आपकी एप्पल आईडी रेडी है, उम्मीद है कि आपको जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो आप इधर ऑन कर सकते हैं। तो नोट नाउ मैं भी क्लिक कर रहा हूँ इसको, अभी मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा क्योंकि मेरी डिवाइस सिक्योर है टोटली, मैं इसको बाहर लेके नहीं जाता इस वजह से, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। तो एप्पल आईडी आपकी बन चुकी है। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और इसी तरह वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी भी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल सब्सक्राइब करके जाइए अगर नहीं किया, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो इस बेल आइकन दबा दें ताकि तमाम इस तरह वीडियोज इंटरेस्टिंग आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।